एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिशु की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। सो सबसे पहले तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बेस्ट विशेस। आप सबके बेबी बहुत अच्छे अच्छे से आए और हेल्दी आए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को क्लियर आउट कर सकूं और आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्यारी प्यारी वीडियोज बना सकूं। सो गाइस, मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या होते हैं और बेबी गर्ल के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो उस वीडियो पे इतने सारे ढेरों क्वेश्चंस आए थे तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में और अपने सिम्टम्स क्लियर करूं, जिससे कि आपको पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि आपके घर में प्रिंसेस आने वाली है या प्रिंस आने वाला है। तो वैसे तो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है, मेरे भी बेबी गर्ल हुई थी फर्स्ट टाइम पर, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और तब भी मैं उतनी ही खुश थी जितने की मैं अभी बेबी बॉय के टाइम पे हुई हूँ। सो गाइस, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ना मैं किसी जेंडर प्रिडिक्शन को बढ़ावा देती हूँ यहाँ पे, बस अपनी छोटी सी अपनी कहीं ना कहीं क्यूरी होती है उसे क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना होता है कि जब लड़का होता है तो आलस कम आता है और जब लड़की होती है तो बहुत आलसी हो जाते हैं हम, बहुत सोने का मन करता है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, सच में ऐसा होता है। जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी तो मुझे बहुत नींद आती थी, मैं बहुत सोती थी, सुबह उठकर काम करना भी मेरे लिए इतना हार्ड वर्क हो जाता था, अपना जो डेली रूटीन का काम होता है वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाती थी। और बेबी बॉय के टाइम पे मैं इतना एक्टिव थी कि मैं अपनी डीप क्लीनिंग तक कर लिया करती थी, मुझे बिल्कुल बहुत कम नींद आती थी। नींद के टाइम पे तो ऐसा होता था कि बिल्कुल भी नींद मत लो, रेस्ट मत करो, अपना कुछ ना कुछ काम करते रहो, एक्टिव रहो। मेन यही होता है कि बेबी बॉय के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमें कुछ भी करने में आलस नहीं आता, और बेबी गर्ल के टाइम पे हमें बहुत आलस आता है, नींद ज़्यादा आती है। तो एक जो मेरा सिम्टम था वो ये था। तो बात करते हैं हम सेकंड सिम्टम की, अपने सेकंड सिम्टम की। जो सेकंड सिम्टम है वो है मीठा। बहुत सारे लोगों को लड़की के टाइम पे भी मीठा पसंद होता है, लड़के के टाइम पे भी मीठा पसंद होता है, बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने लड़के के टाइम पे बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया, मुझे बहुत तीखा पसंद था, मुझे बिल्कुल भी मीठा मतलब देखते भी मतलब इस तरीके से था कि मुझे घिन आने लगती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, कभी भी मैंने मीठा नहीं खाया पूरी प्रेगनेंसी में। बट हाँ, बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने बहुत मीठा खाया है, उस टाइम पे रक्षाबंधन पड़ गया था तो उस टाइम पे मैंने बहुत मीठा खाया। वैसे तो मिठाइयाँ मैं खाती रहती थी, मैंने पेस्ट्रीज बहुत खाई हैं, मैंने केक बहुत खाए हैं, बट रक्षाबंधन के टाइम पे क्या था कि जो वाइट वाले रसगुल्ले होते हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा खाए थे। मैंने आप ये मान लीजिए मैंने 3 दिन में शायद 1.5-2 किलो रसगुल्ले खा लिए थे। ऐसा होता था कि जाओ किचन में 1-2 खा के आ जाओ, फिर जाओ किचन में 1-2 खा के आ जाओ, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी जैसे मेरी और वीडियोस को आप पसंद कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सिम्टम की तरफ। तो जो तीसरा सिम्टम है वो है पैरों की सूजन। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पैरों की सूजन दोनों प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होती है, लाइक बेबी गर्ल के टाइम पे भी, बेबी बॉय के टाइम पे भी। तो आप इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हो, और जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है कि पैरों में सूजन होगी नहीं होगी। अपने एटमोसफेयर में इतनी बातें चलती हैं कि हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है या हम किस दौर से गुजर रहे हैं। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कोई भी वीडियो देखकर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे या मेरी वीडियो आप देखते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस में मत लेके जाया कीजिए, क्योंकि आपके और मेरे सिम्टम्स हमेशा सेम नहीं होते हैं। हर एक लेडी अलग होती है, हर एक बेबी अलग होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स मैच कर जाते हैं और कुछ सिम्टम्स नहीं मैच करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को बेबी गर्ल चाहिए होती हैं जिनके पहले बॉय होते हैं, और जिनको बॉय होते हैं तो उनको बेबी गर्ल चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही जाती है। बट प्रेगनेंसी में हमें बहुत खुश रहना चाहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उनको एक साइड में रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, अपने बेबी को एंजॉय कीजिए। ये टाइम दोबारा नहीं आता है, ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ में आप
लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लिया कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कहीं ना कहीं बेबी की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जिससे कि आपको बेबी को भी प्रॉब्लम होगी। तो खुश रहिए और अपने बेबी को भी बहुत खुश रखिए। तो आगे बात करते हैं, आगे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी बनावट के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की जा रही होगी कि जब आपका पेट नीचे की तरफ होता है या आपका पेट नाभि की तरफ उभरा हुआ होता है तो आपको क्या होना चाहिए, बेबी गर्ल होनी चाहिए, बेबी बॉय होना चाहिए। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। जो मेरा बेबी बॉय के टाइम पे पेट निकला हुआ था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ निकला हुआ था, बट बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ नाभि की तरफ पेट निकला हुआ था। तो मुझे नहीं पता कि ये जो सिम्टम है या आप बोल लीजिए किसी भी तरीके का है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में सही साबित होगा या गलत साबित होगा, ये आप अपने डिलीवरी के बाद तय कीजिएगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बेबी बॉय के टाइम पे था तो मेरा पेट थोड़ा सा नीचे की तरफ निकला हुआ था, बट बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा जो पेट है वो थोड़ा उभरा हुआ था, नाभि की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ था, तो इस तरीके से था। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की प्यारी इसी यूजफुल वीडियो के साथ में, हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।